यदि आप दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर सेविंग अकाउंट ओपन करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से आप जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर ऑनलाइन खोल सकते हैं और क्या उनके फायदे नुकसान है। इस वीडियो के अंदर हम बैंक ऑफ बड़ौदा के सेविंग अकाउंट के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लेना। देखो, गूगल पर सर्च करते हैं BOB और बैंक ऑफ बड़ौदा की पहली वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं। आप ये प्रोसेस अपने मोबाइल फोन में भी आसानी के साथ कर सकते हैं। गूगल पर आप ऐसे ही प्रोसेस करना जैसे मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है इस वेबसाइट के अंदर, तो आप हिंदी इंग्लिश अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। अकाउंट सेक्शन के अंदर जाने के बाद में यहाँ पर सेविंग अकाउंट ऊपर ही ऊपर ऑप्शन मिलता है। इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी सेविंग अकाउंट है। यहाँ पर बता रहे आपको सेविंग अकाउंट मिलेंगे, लेकिन हम जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट की बात करते हैं तो यहाँ पर BOB लाइट सेविंग अकाउंट और BOB ब्रो सेविंग अकाउंट के ऑप्शन हमें मिलते हैं। तो चलिए हम पहले बात कर लेते हैं कि BOB लाइट सेविंग अकाउंट की क्या लिमिटेशन है और ये अकाउंट आपके लिए क्यों अच्छा नहीं है। ये उम्र के हिसाब से दोस्तों है और ब्रो सेविंग अकाउंट है वो लाइट सेविंग अकाउंट से बेटर क्यों है, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले BOB लाइट सेविंग अकाउंट के अंदर चलते हैं और यहां पर इनके चेक करते हैं फीचर्स के बारे में। यहां पर दिखा रहा है कि लाइफ टाइम जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है ये, लेकिन इसके अंदर फ्री डेबिट कार्ड आप चाहते हैं तो आपको क्वार्टरली इतने रुपए मेंटेन करने पड़ेंगे। यदि आप मेट्रो अर्बन सिटीज से हैं तो 3,000 रुपये, सेमी अर्बन एरिया से है तो 2,000 रुपये, रूरल एरिया से है तो आपको 1,000 रुपये मेंटेन करना है यदि आप डेबिट कार्ड चाहते हैं फ्री के अंदर, जो कि है रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो इसमें कोई भी बिजनेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉयड, प्रोफेशनल बिजनेस एग्जीक्यूटिव, होम मेकर्स और माइनर भी इसके अंदर अकाउंट ओपन कर सकता है। यानी 10 साल का कोई बच्चा भी है तो इसके अंदर अकाउंट ओपन कर सकता है, यानी कि ये BOB लाइट सेविंग अकाउंट है वो ओपन कर सकता है। तो ज़रूर यदि कोई माइनर इसके अंदर अकाउंट ओपन कर सकता है तो लिमिटेशन तो ज़रूर होगी, इसलिए मैं आपको प्रेफर करता हूँ ब्रो सेविंग अकाउंट। तो चलिए हम BOB ब्रो सेविंग अकाउंट के अंदर चलते हैं और इसको ओपन करने का सारा प्रोसेस है मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले चार्जेस वगैरह के बारे में भी बात कर लेते हैं कि किसके लिए अकाउंट बना है और इसके अंदर कितना चार्ज हमें पे करना पड़ता है एनुअली, मंथली, जितना भी है जो भी है। तो बेनिफिट की बात करते हैं तो इसके अंदर कोई भी हमें मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अंदर फ्री के अंदर रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिलता है, साथ में NEFT, RTGS, IMPS, UPI हम बिल्कुल फ्री के अंदर कर सकते हैं। इन्हें यदि आप कोई भी तरह का ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, यानी कोई भी डिजिटल पेमेंट मेथड यूज करके पेमेंट करना चाहते हैं, उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। बेशक दोस्तों अपर लिमिट जरूर है इनकी, लेकिन ये इस अकाउंट के हिसाब से फ्री जरूर है। इसके अंदर फ्री चेकबुक मिलती है, एक फ्री डिमांड ड्राफ्ट मिलता है आपको एनुअली, साथ में फ्री SMS अलर्ट मिलते हैं और ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, डीमैट अकाउंट वगैरह आप फ्री के अंदर खोल सकते हैं, ये बताना चाह रहे हैं ये। तो यहाँ पर फीचर्स के बारे में हमने यहाँ पर बेनिफिट्स के बारे में जान लिया, तो फीचर्स देख लेते हैं। आप यहाँ पर फीचर्स देख सकते हैं जो अभी हमने डिस्कशन करे हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, जिसके अंदर कोई 10 साल का बच्चा अकाउंट ओपन नहीं कर सकता है। इसमें अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले मिनिमम एज है उसकी 16 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज है वो 25 साल होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या यह है कि 25 साल का कोई इंसान होने के बाद में उसका यह अकाउंट बंद हो जाएगा? ये बिल्कुल नहीं। आपका एलिजिबल होने चाहिए, आप इस उम्र के अंदर होने चाहिए अकाउंट ओपन करने के लिए। आपका उम्र यदि ज्यादा हो जाता है तो यह अकाउंट बंद नहीं होगा। वो सेम ही बात है यदि कोई माइनर अकाउंट ओपन कराता है तो क्या वो अडल्ट होने के बाद में उसका अकाउंट बंद हो जाता है? नहीं होता ना, सेम वही बात है। तो 16 साल से 18 साल के बीच में कोई है, यानी वो 18 से नीचे है तो माइनर ही कंसिडर होता है, तो 18 साल से कम का है और 16 साल से अधिक है, 16, 17, 18 के बीच में है, तो उसको जॉइंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। वो सिंगल अकाउंट है वो अपने नाम से ओपन नहीं कर सकता इसके अंदर, बल्कि यदि 18 से 25 साल का है तो इसके अंदर सिंगल सेविंग अकाउंट आसानी के साथ ओपन कर सकता है। तो चलिए इसके बेनिफिट्स के बारे में आपने जान लिया और फीस एंड चार्जेस के बारे में आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि जीरो बैलेंस रिक्वायरमेंट की जरूरत है और कोई कंडीशन नहीं है मंथली या फिर क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन करने की। तो यदि आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप यहां पर अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करेंगे और यही सारा प्रोसेस आप मोबाइल फोन से भी आसानी के साथ कर सकते हैं। इसके अंदर डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो आप मात्र पैन कार्ड और आधार कार्ड से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होने जरूरी है। अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करते हैं तो 16 साल से 18 साल के बीच में यदि आपकी उम्र है तो ज्वाइंट अकाउंट आप क्लिक करेंगे, लेकिन यदि आप 18 से 25 साल के बीच में हैं तो आप सिंगल नेम अकाउंट पर क्लिक करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर यह इंस्ट्रक्शन दिखा रहा है कि आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर और लिंक होना चाहिए, आपके पास एक ईमेल आईडी भी होनी चाहिए जो कि आपके जरूर है आपके पास अपने मोबाइल के अंदर, आप प्ले स्टोर वगैरह में ईमेल आईडी तो जरूर है आप, मतलब गूगल की ईमेल आईडी, ठीक है। यहाँ पर इंटरनेट, कैमरा, वेबकैम, माइक्रोफोन इनेबल होना चाहिए इसके अंदर अकाउंट ओपन करते समय और वीडियो KYC करते समय। ये चीज़ें यहाँ पर दिखा रहा है कि आपके पास अच्छा
इंटरनेट कनेक्शन हो, कैमरा की, वेबकैम की, माइक्रोफोन की परमिशन आपको इस वेबसाइट के अंदर देनी है, क्योंकि घर बैठे हम अकाउंट ओपन कर रहे हैं, बैंक जाने की भी हमें जरूरत नहीं है, इसलिए वीडियो कॉल के माध्यम से हमें KYC कंप्लीट करनी पड़ती है। यहाँ पर लोकेशन वगैरह अलाउ करनी है और ये सारी चीज़ें आप पढ़ने के बाद में इसे यस करेंगे, ठीक है, और फिर हम अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस हम स्टार्ट कर देंगे। फिर हमसे अपने बारे में जानकारी पूछेगा और हमारा अकाउंट ऑनलाइन ही ओपन हो जाएगा और फुल KYC भी हम वीडियो कॉल के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेता है दोस्तों, यहाँ पर ये 30 से 40 सेकेंड का समय ले सकती है वेबसाइट लोड होने में, तो आपको इंतज़ार करना है और आपके सामने पॉपअप आ जाएगा। मोबाइल फ़ोन से करें या फिर कंप्यूटर लैपटॉप से करें, पॉपअप आएगा कि लोकेशन की परमिशन को अलाउ कीजिए, तो हम अलाउ कर देते हैं। अपनी लैंग्वेज है वो सिलेक्ट कीजिए, प्रेफर्ड लैंग्वेज आप जिसके अंदर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो हिंदी इंग्लिश में से कोई एक सिलेक्ट करके प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी 30-40 सेकंड के बाद ये वेबसाइट अच्छे से ओपन हो जाती है, उसके बाद में आपको अपने मोबाइल नंबर डाल देने हैं जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है, साथ में मोबाइल नंबर पर OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP यहाँ पर डालना है, आपको अपनी ईमेल आईडी है वो यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, आप माइनर हैं तो आप माइनर वाला इसको अनटिक रखेंगे, ठीक है, यदि आप माइनर नहीं है तो आई एम नॉट माइनर पर टिक कर देंगे इस तरह से। उसके बाद आप एक इंडियन रेजिडेंट हैं इस पर क्लिक करेंगे, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन नहीं है, और उसके बाद में आप बैंक ऑफ बड़ौदा के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं या फिर नहीं है, अपने हिसाब से ये टिक मार्क करना है आपको, मतलब मैं जैसे बता रहा हूँ मतलब मैं जितने पर कर रहा हूँ उतने पर आपको टिक नहीं करना है। यदि आपका बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर पहले से कोई अकाउंट है तो इस ऑप्शन पर आप टिक नहीं करेंगे। यहाँ पर अगला ऑप्शन है आई एम नॉट लुनेटिक ब्लाइंड एंड इलिटरेट पर्सन, इस पर आप टिक करेंगे, यानी कि आप अनपढ़ नहीं है तो आप इस पर टिक कर देंगे, यदि आप अनपढ़ है तो इस पर टिक नहीं करेंगे। आप इंडिया के अंदर रहते हैं और इंडिया में टैक्स पेयर करते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, बाकी ये सारे टर्म एंड कंडीशन आप पढ़ लेना, ठीक है, उसके बाद में इन सारों को आपको एक्सेप्ट करना है। उससे पहले आपको ये नाम वगैरह डाल देने हैं, उसके बाद में इन सारी परमिशन को एक्सेप्ट करने के बाद में आप यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। आपके ईमेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन लिंक सेंड किया गया है, उसको आपको यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है अपनी ईमेल अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर ओपन करने के बाद में। बाकी प्रोसेस मैं फ़ोन में दिखा देता हूँ, सेम ही प्रोसेस है सारा। यहाँ पर ये मोबाइल नंबर है, वो ईमेल तो वेरीफाई हो गई है और समय आपको मिल जाता है इन लिंक पर क्लिक करने के बाद में। मोबाइल नंबर और OTP आपको यहाँ पर डाल देना है और सारे ये टर्म एंड कंडीशन जो मैं आपको अभी बताया हूँ कि आप पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन नहीं होने चाहिए, बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, तो आप वे सारे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। टर्म एंड कंडीशन को आप अच्छे से सेलेक्ट करने के बाद में नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद में आपके सामने नेक्स्ट विंडो ओपन होगा जिसके अंदर आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड है वो जानकारी पूछी जाएगी। तो यहाँ पर पैन कार्ड है उसके नंबर डाल देने हैं, आधार कार्ड या वर्चुअल आईडी नंबर डाल देने हैं, आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है जिसमें भी आपको अकाउंट ओपन करना है, उसके बाद में आपको कंसेंट देनी है और नेक्स्ट करना है। आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP को यहाँ पर डालकर नेक्स्ट के बटन पर आपको क्लिक करना है। OTP हमने डाल दिया है, नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद में आपके आधार कार्ड से सारी डिटेल फेच कर ली जाएगी, एड्रेस वगैरह के बारे में और सब कुछ, जो डिटेल आपको सही नहीं लगती है उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। आपको अपनी ब्रांच सेलेक्ट करनी है और नीचे BOB ब्रो सेविंग अकाउंट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गए, आप अपनी नियर बाय ब्रांच है वो सिलेक्ट कर लेना जिसके अंदर अकाउंट आपका ओपन होगा। ऑनलाइन ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, इसमें आपको बैंक जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको ब्रांच तो सिलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद में पर्सनल डिटेल देनी है, फादर नेम, मदर नेम और अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना, और आप डिसेबिलिटी वाले पर्सन है तो डिसेबिलिटी सेलेक्ट करना, आपके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट है तो वो सेलेक्ट करना, और आपका जन्म है वो किस सिटी के अंदर हुआ है वो सेलेक्ट कर लेना, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना है, साथ में आपको एम्प्लॉयमेंट स्टेटस सेलेक्ट करना है, स्टूडेंट हो आप, अपने हिसाब से ये सारी बेसिक डिटेल वो फिल कर लेना है, एड्रेस भी डाल देना है और साथ में आपको नॉमिनी भी ऐड करना है। यहाँ पर नॉमिनी आपको ऐड जरूर कर देना, क्योंकि बाय द वे आपको कुछ हो जाता है तो आपके अकाउंट के अंदर जितने पैसे होंगे वो नॉमिनी को मिल जाएंगे। उसके बाद नॉमिनी डिटेल ऐड करने के बाद में नॉमिनी का और अपना एड्रेस सेम है तो आप टिक कर देंगे, उसके बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ये सारे डिटेल अपने हिसाब से आप अपने आप फिल कर सकते हैं, इतने तो आप इतनी जानकारी तो आपको होगी। उसके बाद में आपको कौन कौन सी सर्विस चाहिए, इंटरनेट बैंकिंग को आप टिक कर दीजिए, आपको फ्री चेकबुक मिलती है वो चाहिए या नहीं चाहिए वो सिलेक्ट कर दीजिए, और आपको SMS अलर्ट है वो किस लैंग्वेज में चाहिए वो आप सिलेक्ट कर दीजिए, साथ में व्हाट्सएप बैंकिंग आप चाहते हैं तो इस पर आप टिक कीजिए, और किस लैंग्वेज में आप व्हाट्सएप बैंकिंग यूज़ करेंगे उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में आपको ऑप्शन मिलता है डेबिट कार्ड फ्री के अंदर मिलता है वो चाहिए या नहीं चाहिए वो सिलेक्ट कर लीजिए, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। BOB का क्रेडिट कार्ड है वो आप जब एलिजिबल होंगे तब आपको मिल जाएगा, इस पर आप टिक करेंगे तो UPI ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगा। ये सारी सर्विसेज आपको सिलेक्ट कर लेनी है, लेकिन यदि आप 16 साल से 18 साल के बीच में हैं तो आपको फ्री के अंदर चेकबुक नहीं मिलेगी और डेबिट कार्ड वगैरह ये सब कुछ मिल जाएगा। आपका पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा आपके सामने, उसके बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है और आपको URN नंबर प्रोवाइड हो जाएंगे,
उसको बैंक में ले जाकर भी आप केवाईसी करवा सकते हैं, और यहीं से आप कंप्लीट और वीडियो केवाईसी पर क्लिक कर सकते हैं और अपना अकाउंट है वो सक्सेसफुली यहीं पर ओपन कर सकते हैं। तो कंप्लीट और वीडियो केवाईसी पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या प्रोसेस आएगा, मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूं। आपके पास एक पेपर होना चाहिए, पेन होना चाहिए, बढ़िया जगह आपको बैठकर वीडियो कॉल करना है बैंक के कर्मचारी के साथ। यहाँ पर लाइटिंग कंडीशन वगैरह बढ़िया हो, ऐसा नहीं है कि आपको 5-स्टार होटल में जाकर कॉल करना है, यहाँ पर बढ़िया लाइटिंग कंडीशन होनी चाहिए ताकि आप वीडियो कॉल पर आपसे जो पैन कार्ड वगैरह आपको दिखाने को बोलता है, आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, वो दिखाने को बोलता है आपसे, ऐसे करके वो फोटो खींचेगा वीडियो कॉल स्टार्ट होने के बाद में। आपको सिग्नेचर करने एक पेपर पर और उसको दिखाने, उसका भी वो स्क्रीनशॉट ले लेगा, फोटो कैप्चर कर लेगा, आपका तुरंत अकाउंट ओपन हो जाएगा आधे घंटे के अंदर अंदर। और इस प्रोसेस के माध्यम से आप ऑनलाइन घर बैठे ही बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फ्री डेबिट कार्ड मिलेगा आपको, एटीएम कार्ड, फ्री चेकबुक मिलेगा यदि 18 साल से 25 साल के बीच में आपकी उम्र है तो, यदि 16 से 18 साल के बीच में तो आपको चेकबुक नहीं मिलेगी। तो ये था दोस्तों वीडियो हमारा, वीडियो पसंद है लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब डेफिनेटली करें, इंटरेस्टिंग वीडियो जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।